हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहले देखते हैं इन्वर्टर क्या होता है। इट डिवाइस डैट कन्वर्ट डीसी पावर इनटू एसी पावर एट डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इन्वर्टर। मींस इन्वर्टर क्या है, मींस इन्वर्टर का काम है, इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पर ठीक है साथ साथ डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के साथ साथ। ठीक है, द आउटपुट ऑफ इन्वर्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ टेक्निक इज कॉल्ड पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन। मीन्स इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उसको कंट्रोल करने का एक टेक्निक है, उस टेक्निक का ही नाम है पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन। मीन्स पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन्वर्टर का काम होता है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना डिजायर्ड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के साथ साथ, और जो इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है, उस टेक्निक का ही नाम है पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन। और पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन में क्या होता है वो देखते हैं। इन पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन ए फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज इज गिवन टू द इन्वर्टर एंड अ कंट्रोल्ड एसी आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेंड। मीन्स पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन में हम लोग डीसी इनपुट वोल्टेज हम लोग इन्वर्टर को देते हैं और इन्वर्टर क्या कर देता है उसको, मतलब कि एसी आउटपुट में हम लोग को वोल्टेज देता है। और एंड द आउटपुट ऑफ इन्वर्टर वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल्ड बाई अ डिवाइस कॉल्ड पी डब्ल्यू एम एंड द डिजायर्ड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी इज गिवन टू इंडक्शन मोटर। मीन्स ये समझ में आया होगा आपको, इन्वर्टर में डीसी हम लोग देते हैं। ठीक है, तो उसको वो कंट्रोल्ड एसी में करके हम लोग को इन्वर्टर देता है। जब वो हम लोग को कंट्रोल्ड एसी मिल जाता है तो उसको वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग पी डब्ल्यू एम लगाते हैं। ठीक है, पी डब्ल्यू एम से हम लोग को डिजायर्ड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी मिल जाता है और उसी को हम लोग इंडक्शन मोटर में दे देते हैं। ठीक है, इन पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन इंडक्शन मोटर कैन बी वेरिड। तो आपको ये समझ में आया होगा, देखिए एसी इन्वर्टर और पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन, मीन्स यहाँ से एसी है, ठीक है, फिर इन्वर्टर लगा हुआ है, फिर पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन, फिर हम लोग को आउटपुट मिल जाता है और इस यही हम लोग को इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए काम पड़ता है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है इन्वर्टर का जो इनपुट होता है वो कैसा होता है और इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है, दिख रहा है इन्वर्टर का इनपुट, इन्वर्टर का आउटपुट और डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑफ आउटपुट ऑफ पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन के साथ साथ। पल्स विद्युत मॉड्यूलेशन स्कीम फॉर इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन ट्रैक्शन सिस्टम। मीन्स पी डब्ल्यू एम स्कीम जो होता है इंडक्शन मोटर का, वही हम लोग का ट्रैक्शन सिस्टम में काम होता है। ट्रेन कलेक्ट सिंगल फेज सप्लाई थ्रू पेंटोग्राफ एंड इट पासिस बाय स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, आफ्टर दैट इट बाय रेक्टिफायर विच कन्वर्ट ए सी इंटू डी सी एंड द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज गिवन टू इन्वर्टर विच कन्वर्ट डी सी इंटू थ्री फेज सप्लाई। मीन्स ट्रैक्शन सिस्टम में भी पी डब्ल्यू एम का इस्तेमाल होता है। कैसे, ट्रेन जो होता है वो करेंट कलेक्ट करता है। ठीक है, करेंट कहाँ से कलेक्ट करता है, पेंटोग्राफ। मीन्स ट्रेन के ऊपर आपने जेड जैसा दिखता होगा आपको, उसको हम लोग पेंटोग्राफ बोलते हैं। उससे ट्रेन जो होता है करेंट को कलेक्ट करता है। ठीक है, करेंट जो होता है वो सिंगल फेज करेंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग ले जाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। जब हम लोग उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में लेके जाते हैं तो क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसे रेक्टिफायर में लेके जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब वो हम लोग का डीसी में कन्वर्ट हो जाता है तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसको फिर हम लोग इन्वर्टर में ले जाते हैं। ठीक है, फिर वो डीसी को थ्री फेज सप्लाई में कर देता है कन्वर्ट, और वही जो इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग पीडब्ल्यूएम में भेजते हैं। फिर उससे क्या होता है, हम लोग कंट्रोल फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल करके कलेक्ट करते हैं एंड गिव सप्लाई टू द पीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूएम में सप्लाई देते हैं एंड हैंस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज कलेक्टेड, और जिसके कारण हम लोग का इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। तो ये उसका डायग्राम है, जैसा कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा, पेंटोग्राफ से हम लोग सिंगल फेज करंट कलेक्ट किए, ऊपर से ओवरहेड लाइन से सिंगल फेज। ठीक है, सिंगल फेज करंट कलेक्ट किए हम लोग, फिर उसको हम लोग नीचे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है,
फिर रेक्टिफायर में भेजे, वो एसी से डीसी कन्वर्ट किया, फिर डीसी से थ्री फेज हम लोग इन्वर्टर से कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में भेजे, ठीक है, फिर हम लोग का मोटर काम किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम, मीन्स कितना तरह का इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है ट्रेन में। ए रनिंग मोटर मे बी ब्राउट टू रेस्ट क्विकली इधर बाय मैकेनिकल ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इन मैकेनिकल ब्रेकिंग वी कॉन्ट गेट स्मूथ ब्रेकिंग, बट इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम गेट स्मूथ ब्रेकिंग इन ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स, प्लगिंग ब्रेकिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग जिसका दूसरा नाम डायनेमिक ब्रेकिंग भी है, एंड थर्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। मीन्स इसको सीधा भाषा में समझते हैं तो कोई भी रनिंग मोटर है, ठीक है, मोटर जो होता है वो रन कर, मीन्स मोटर जब चलता है तो उसको मतलब कुछ समय के लिए या फिर कुछ टाइम के बाद रेस्ट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जब हम लोग उसको रोकना है तो या तो हम लोग उसको मैकेनिकल ब्रेकिंग के तौर पे रोक सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, मीन्स मैकेनिकल के तौर पे रोक सकते हैं, जैसे कि साइकिल वगैरह में आप देख सकते हो वो मैकेनिकल ब्रेकिंग से हम लोग रोकते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग भी होता है, जैसे डिस्क ब्रेक नाम वो टाइप इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग में जो होता है वो हम लोग का स्मूथ ब्रेकिंग नहीं होता है, ठीक है, मीन्स जैसे ब्रेक मारे तुरंत रुक गया वैसा ब्रेकिंग नहीं होता है, और जबकि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में हम लोग का स्मूथ ब्रेकिंग होता है, मारे तुरंत तुरंत रुक जाता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम को भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया, प्लगिंग, रियोस्टेटिक और रीजेनरेटिव, ठीक है। तीनों को डिस्कस करते हैं। प्लगिंग ब्रेकिंग क्या होता है? प्लगिंग इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग इन इंडक्शन मोटर। प्लगिंग इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग द सप्लाई टू द स्टेटर फेज वाइंडिंग, मीन्स प्लगिंग भी ब्रेकिंग का एक मेथड है इंडक्शन मोटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लगिंग में क्या होता है, सप्लाई का इंटरचेंजिंग होता है, ठीक है, स्टेटर फेज वाइंडिंग में, ठीक है। व्हेन द सप्लाई इज रिवर्स्ड, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस ट्रेन स्पीड डिक्रीजेस। जब हम लोग सप्लाई को रिवर्स कर देंगे तो टॉर्क भी हम लोग का रिवर्स डायरेक्शन पर लगेगा और ट्रेन का स्पीड हम लोग का कम हो जाता है। इसी मेथड का हम लोग अप्लाई करके हम लोग स्टॉप मीन्स ट्रेन को रोकते हैं। दिस मेथड इज अप्लाई वेयर इमीडिएट स्टॉप इज रिक्वायर्ड, मीन्स हम लोग को जब हम लोग ट्रेन को तुरंत रोकना पड़े। द मोटर आर ऑपरेटेड बाय अ प्लगिंग स्विच, दिस स्विच ऑपरेट व्हेन स्टॉप कमांड इज गिवन टू द मोटर। जो मोटर जो होता है वो प्लगिंग स्विच से हम लोग का ऑपरेट होता है, ठीक है। ये स्विच कब ऑपरेट होगा, ये स्विच को हम लोग ऑपरेट करेंगे जब हम लोग स्टॉप कमांड मीन्स हम लोग को ट्रेन को रोकना होगा, तब हम लोग इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे। When the motor gets complete hold, then reverse supply is disconnected. जब मोटर क्या होता है कम्प्लीटली होल्ड कर देता है, मीन्स कम्प्लीटली पकड़ लेता है अच्छे से, तब हम लोग का रिवर्स सप्लाई हम लोग डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है, मीन्स ट्रेन जब रुक जाएगा। अब हम लोग का आता है डायनेमिक ब्रेकिंग, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड ब्रेकिंग द टॉर्क इज कॉल्ड डायनेमिक ब्रेकिंग, मीन्स दूसरा मेथड जो होता है टॉर्क को रिवर्स करने का, ठीक है, और टॉर्क का डायरेक्शन को चेंज करने का, ठीक है, ट्रेन को ब्रेक लगाने का, टॉर्क को भी ब्रेक लगाने का, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग। इन दिस मेथड द मोटर विच इज एट रनिंग कंडीशन इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस देम, मीन्स जो हम लोग का मोटर जो है वो कनेक्ट किया रहता है तो उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मीन्स मोटर को हम लोग कहाँ डिस्कनेक्ट कर देते सप्लाई से, मीन्स मोटर में जो करंट मिल रहा है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट करके रेजिस्टेंस लगा देते, ठीक है, मीन्स इसमें मीन्स बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब को हम लोग हटा के वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, वैसे ही इसका काम है। हम लोग करंट दे रहे थे, करंट को हटा के रेजिस्टेंस लगा, जिससे मीन्स करंट का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। द रोटर कीप्स रोटेटिंग ड्यू टू द इनर्सिया एंड इट वर्क्स एज सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, और मीन्स जो हम लोग का रोटर होता है वो थोड़ा मोड़ा रोटेट करते रहता है इनर्शिया के कारण, और उसको हम लोग एज अ मीन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के जैसा वर्क करता है। व्हेन द मोटर वर्क्स एट सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर द फ्लो ऑफ करंट एंड टॉर्क इज रिवर्स, और जब मोटर जो है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तरह काम करता है तो करंट का जो फ्लो और टॉर्क जो होता है हम लोग का रिवर्स हो जाता है। अब थर्ड देखते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग टेक्स प्लेस व्हेन एवर द स्पीड ऑफ मोटर एग्जिस्ट द सिंक्रोनस स्पीड, मीन्स रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तब होता है जब मोटर का जो स्पीड होता है, ठीक है, वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दिस ब्रेकिंग मेथड इज कॉल्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, और इसी ब्रेकिंग मेथड को हम लोग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं।
क्योंकि जब मोटर व्हेन बिकॉज हेयर द मोटर वर्क्स एज जनरेटर एंड सप्लाई इटसेल्फ दैट इज मोटर द मेन क्राइटेरिया फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज दैट द रोटर रोटेट्स एट अ स्पीड हायर देन सिंक्रोनस स्पीड मीन्स इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसलिए कहा गया है कि मोटर क्या होता है खुद जनरेटर की तरह काम करता है खुद है ना अपने आप को उस मोटर सप्लाई देता है और इसका मेन क्राइटेरिया क्या है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का रोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से फिर ज़्यादा स्पीड घूमने लगे मीन्स रोटर बहुत ज़्यादा स्पीड मीन्स ट्रेन कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है ठीक है वैसे ही ओनली देन मोटर वर्क्स एट जनरेटर एंड देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टॉर्क रिवर्सेस एंड ब्रेकिंग टेक प्लेस द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस ब्रेकिंग इज दैट मोटर मूव्स विद सुपर सिंक्रोनस स्पीड ड्यू टू विच मे डैमेज मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली मीन्स इसका यह मतलब होता है मोटर जो होता है खुद जनरेटर की तरह काम होता है जिसके कारण डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो भी चेंज रहता है ठीक है टॉर्क भी होता है उसको रिवर्स करना पड़ता है ब्रेक लगाना पड़ता है उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मोटर जब बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनस स्पीड से भी बहुत ज़्यादा स्पीड घूमने लग जाता है तो जिसके कारण मैकेनिकल डैमेज इलेक्ट्रिकल डैमेज भी हो सकता है हम लोग का तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी आप लोग ख़त्म होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो